आम आदमी पार्टी आदमपुर की सीट निकालेगी, तो जनता जो है वो बीजेपी सरकार से बहुत दुखी है और परिवारवाद से भी बहुत दुखी है और आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। हरियाणा की जनता ने मन बना चुके हैं और वो समय देख रहे हैं किस टाइम हरियाणा का इलेक्शन हो और इस सरकार को उखाड़ फेंके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य खबर और मैं हूं गगन सांगर। इस समय हमारे साथ शेर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं जो किसान प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे साथ शेर सिंह जी, जिस तरह से जो ये यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं, ये यात्रा कहां से आरंभ हुई थी और कहां इसका समापन होगा? ये 2 तारीख को असन से शुरू हुई थी और पूरे हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट में से होते हुए 9 तारीख को ये सापला रोहतक में समाप्त होगी। और इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केजरीवाल जी ने हमें दिया कि हर मंडी में, हर गांव में जितने हम कवर कर सकते हैं वो सारे कवर कर रहे हैं हम। और इसमें से किसानों की जो भी समस्याएं गांव में, मजदूरों की, किसानों की जो समस्याएं, वो सारी इकट्ठी करके हाई कमांड को, केजरीवाल जी को देनी है और ताकि केजरीवाल जी इन सारी समस्याओं को हल निकाल के किसानों के का हल निकालेंगे। और हम मंडियों में, जैसे कि हम यमुनानगर गए तो यमुनानगर की मंडियों में इतना धान का बुरा हाल है कि वहाँ झाड़ 14-15 क्विंटल धान का झाड़ निकल रहा है। और अंबाले में आए तो वहाँ अंबाले के पास वहाँ भी झाड़ जो है 7-8 क्विंटल का है। तो यहाँ आज पेवा में आए तो पेवा में झाड़ तो कम है, 6-7 क्विंटल कम है, लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही क्योंकि सरकार ने 30 क्विंटल पोर्टल रखा हुआ है कि पर एकड़ जो है 30 क्विंटल पोर्टल का बरती है। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को जो मुआवजा दे, जितना भी उनका झाड़ कम है उसका साथ में पैसे लगा के उसका मुआवजा दे। शेर प्रताप सिंह, जिस तरह से अभी आदमपुर में इलेक्शन होना है, उपचुनाव जो हो रहा है, तो उसमें क्या आम आदमी पार्टी जो है अपनी वो सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आदमपुर की सीट निकालेगी क्योंकि हम पहले भी वहाँ 6-7 दिन का दौरा करके आए हैं और गांव-गांव हम घूमे हैं, साथ में हमारे प्रभारी जी भी थे तो हम सारे वहाँ घूमे। तो जनता जो है वो बीजेपी सरकार से बहुत दुखी है और परिवारवाद से भी बहुत दुखी है, कुलदीप बिश्नोई से बहुत दुखी है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भी कभी किस पार्टी से कभी किस पार्टी से जनता के बीच आते हैं, वोट ले कर चले जाते हैं लेकिन वापस वो जनता की कोई मांग पूरी नहीं करते। आप आदमपुर में एक बार जाके देखो जो सड़कों का बुरा हाल है, एक सड़कों में 2-2 फुट के खड्डे हैं और जनता है इतनी परेशान है, तंग है इस सरकार से, महंगाई से, कि आप जानते हो सारे कि महंगाई जो पिछले 4 साल से कम 4 गुना बढ़ चुकी है और आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। मजदूर आदमी अगर 500 रुपये भी मजदूरी करता तो वो शाम को एक दिन का राशन लेके जाता है, ना कि वो हफ्ते का राशन ले सकता। शेर प्रताप सिंह जी, जिस तरह से अभी सरपंची के जो भी इलेक्शन होने हैं, जिला परिषद के भी इलेक्शन होने हैं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जो जिला परिषद के जो इलेक्शन होने, क्या उस पर पार्टी सिंबल पर जो इलेक्शन लड़ेगी? आम आदमी पार्टी जो जिला परिषद के और ब्लॉक के इलेक्शन होंगे उसमें वो सिंबल पे इलेक्शन झाड़ू के निशान पे लड़ेगी और जो सरपंची और पंची के होंगे वो बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों जिला परिषद और ब्लॉक में से पूरी जीत प्राप्त करेंगे। शेर प्रताप सिंह, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या आने वाले 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, हरियाणा की जनता ने मन बना चुके हैं और वो समय देख रहे हैं किस टाइम हरियाणा का इलेक्शन हो और इस सरकार को उखाड़ फेंके। और आने वाले दिसंबर में जो इलेक्शन हमारे आ रहे हैं हिमाचल और गुजरात के, वो भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। गुजरात में आप देख ले, उस सर्वे आ रहे हैं, सारे सर्वे में क्लियर बता रहे हैं कि आम आदमी की सरकार जो है फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है और गुजरात की जनता ने पूरी तरह मन बनाया कि इनको, जो बीजेपी की सरकार है, इनको उखाड़ फेंके। ये थे हमारे साथ शेर प्रताप सिंह जी, जो किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आम आदमी पार्टी से, और
इन्होंने बताया कि किस तरह से जो आदमपुर में जो इलेक्शन होना है उसमें आम आदमी पार्टी की जो जीत होगी और जिला परिषद में भी जो है पार्टी सिंबल पर जो है इलेक्शन लड़ेगी। पिहोबा से सत्य खबर के लिए गगन सांगर। सत्य सटीक बेबाक।